हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए टॉपिक अपने पास में आज मानव बस्ती, ठीक है। मानव बस्तियां कह दीजिए, मानव बस्तियां या मानव बस्ती, ये आपका लेसन नंबर 10, ठीक है। ये फर्स्ट बुक आपकी है, पहली पुस्तक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित ये लेसन है, मतलब किताब है, उसमें ये लेसन है 10वें नंबर का लेसन है जिसमें हम बात करेंगे मानव बस्ती के बारे में। सबसे पहले हम डालेंगे टॉपिक बस्तियाँ। देखिए बस्तियाँ होती क्या, बस्तियों की क्या परिभाषाएँ होती है। देखिए एक स्थान जहाँ साधारणतः स्थायी रूप से बस्तियां बसी हुई हो, ठीक है, मानव बस्तियां कहलाती हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे बिल्कुल साधारण रूप में स्थायी रूप से बस्तियां क्या हो, बसी हुई हो, या हम कह सकते हैं कि मानव का एक समूह है, वो समूह एक जगह एकत्रित हो, एक जगह इकट्ठे एक बस्ती के रूप में निवास करते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव के मकान या कह दीजिए बस्तियां, मानव के मकान या कह दीजिए बस्तियां, बस्तियों का आकार जो होता है या मान लीजिए स्वरूप जो होता है वो बदलता रहता है। भाई आपका मकान आज है, कल दूसरे तरीका बन सकता है, तो उस आकार और स्वरूप में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है, ठीक है। बस्तियों में रहने वाले लोगों के कार्य बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनका कार्य भी बदल सकता है, आज क्या काम कर रहे हैं भविष्य में क्या काम करेंगे, लेकिन परंतु आपकी जो बस्तियां होती है वो समय व स्थान के आधार पर बस्ती रहती है, ठीक है। समय बदलता रहता है और बस्तियां बसती रहती है। तो ये मैंने आपको बताया बस्तियों के बारे में। अब देखिए इसमें मैंने अभी तो बात की, किसकी बात की मैंने, स्थाई बस्ती की बात की मैंने, ठीक है। एक बस्ती और होती है, वो होती है अस्थाई बस्ती, ठीक है। कुछ बस्तियां ऋतु कह दीजिए, जैसे कि गर्मी और सर्दी के अनुसार अस्थाई बस्तियां भी बनती है। अब पूछते हैं कि ऋतु क्या होती है, ऋतु के आधार पर, ऋतु के अनुसार कैसे। देखिए इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देखिए कुछ बस्तियां क्या होती है कि घर में पशु जानवर कुछ भी होते हैं उनको चराने के उद्देश्य से व्यक्ति क्या काम करता है, गर्मी का जब मौसम आता है तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, और जब सर्दी का मौसम आता है तो वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनके जो मकान होते हैं वो स्थाई नहीं होते, अस्थाई माने गए, ठीक है। इस तरीके से बस्तियों की विशेषता है, आप उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा बस्तियों का वर्गीकरण। चलिए बात करते हैं बस्तियों का वर्गीकरण, उसे कितने भागों में देखा गया है। मूल रूप से बस्तियों का वर्गीकरण,
देखिए बस्तियों को मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा है? दो। एक होता है ग्रामीण बस्तियां और दूसरा होता है नगरीय बस्तियां। और हमने भी दो ही बस्तियां देखी है, या तो गांव में लोग बसते हैं या फिर नगरों में बसते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती की कि ग्रामीण बस्ती होती क्या है। ठीक है, ये बस्तियां प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होती है, प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होती है। अब प्राथमिक क्रिया क्या होती है? जैसे कि लोग कृषि कार्य करें, मछली पालन करें, पशु पालन करें, खनन कार्य करें, आखेट करें, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, इसके अलावा भोजन संग्रहण करें, ये सारे कार्य अगर कोई किसी क्षेत्र में करते हैं तो वो कहलाती है ग्रामीण बस्तियां। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता अपना क्या? नगरीय बस्तियां। देखिए नगरीय बस्तियां जो होती है उसी प्रकार डिपेंड है जैसे आपकी ग्रामीण बस्ती है, ये प्राथमिक क्रिया पे आधारित होती है, तो ये बस्तियां द्वितीय व तृतीय क्रियाओं पर आधारित होती है। ठीक है, अब पूछोगे द्वितीय क्रिया क्या है? देखिए द्वितीय क्रिया जो होती है, ये द्वितीय क्रिया में विनिर्माण कार्य, मतलब प्राथमिक क्रिया से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है। देखो ये तो सीधे तौर पर प्रकृति पर आधारित है, किस पे आधारित है? प्रकृति पर आधारित प्राथमिक क्रिया, क्योंकि ये सारे के सारे प्राथमिक संबंधित मतलब प्रकृति से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, द्वितीय क्रिया के अंदर विनिर्माण कार्य होता है, लेकिन विनिर्माण के लिए प्राथमिक क्रिया से क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। इस कच्चे माल के जरिए व्यक्ति क्या काम करता है? कच्चे माल के जरिए वो वस्तु का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये जो उद्योग धंधे होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होती है, छोटे बड़े लघु उद्योग होते हैं, सब द्वितीय क्रिया में आते हैं। और तृतीय क्रिया क्या होती है? तृतीय क्रिया के अंदर आता है जैसे कि संचार है, परिवहन है, ठीक है ना, और इसके अलावा सेवाएं हैं। सेवाएं क्या होती है? सेवाएं जैसे कि आपकी हो सकती है अध्यापक, वकील, डॉक्टर, ठीक है ना, और भी कई तरह की सेवाएं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, उन्हें हम क्या देते हैं? सेवाएं कहते हैं। और ये तीनों चीज, ये दोनों चीज द्वितीय और तृतीय क्रिया के अंतर्गत आती है। अगर ये क्रिया कहीं पर होती है तो वो नगरीय बस्तियां कहलाती है। ठीक है, तो ये नगरीय बस्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसी बस्तियों के अंतर्गत और आगे बढ़ते हैं, पर नगरीय बस्तियों की कुछ विशेषताएं भी है। ठीक है, चलिए देखिए, नगरीय बस्तियों के अंदर एक छोटा सा शब्द आता है उपनगरीकरण। देखिए उपनगरीकरण क्या होता है? ये नगर में ही है, ठीक है ना, यह एक नवीन प्रकृति है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग क्या काम करते हैं, घने बसे नगरीय क्षेत्रों से बाहर की ओर जाकर नगर का निर्माण करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि रहन सहन की अच्छी व्यवस्था पाने के लिए, ठीक है, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि शॉर्ट रूप में बताऊं, बड़े शहरों
ठीक है ना, जितने बड़े शहर होते हैं उनके करीब, ठीक है, बड़े शहरों के करीब ऐसे छोटे नगरों को जो विकसित होते हैं क्या कहलाएंगे, उपनगरीकरण कहलाते हैं। कुल मिला के बात ये हो गई सा कि इसमें एक ये नवीन प्रवृत्ति मानी जाती है, एक नया मॉडर्न कंडीशन मान लो कि मान लीजिए आपको शहर में रहना पसंद नहीं है तो आप क्या काम करोगे, शहर से थोड़ा बाहर जाकर एक छोटी सी जगह ढूंढकर और वहाँ पे अपना मकान या फिर अपनी एक छोटे छोटे मकान बन जाते हैं, फिर एक बस्ती बन जाती है, धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपनगरीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े, उसे उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उपनगरीकरण के बाद में एक छोटा सा बिंदु और आता है अपना। देखिए 1991 की बात करूं मैं, 1991 में भारतीय जनगणना होती है के तहत नगरीय बस्तियों की एक परिभाषा दी गई। अब वो परिभाषा क्या थी सुनिए, अगर आप किसी क्षेत्र को नगर मानते हो उस नगर की एक विशेषता होनी चाहिए, ये सभी नगर या इन सभी नगरों में, इन सभी नगरों में क्या होना चाहिए, एक तो नगर पालिका हो या तो, या फिर उसमें निगम हो, नगर निगम जिसे कहते हैं, या फिर इसमें छावनी बोर्ड हो, या इसमें हो अनुसूचित क्षेत्र समिति, ठीक है, या फिर हम कह दीजिए कि उस क्षेत्र के अंदर कम से ना कम 5,000 व्यक्ति हो, या उन क्षेत्रों में 5,000 व्यक्ति क्या करे, निवास करे, या फिर और भी हो सकता है, कुछ क्राइटेरिया कुछ बिंदु रखे गए हैं, या फिर उसमें 75% लोग गैर कृषि कार्यों में हो, गैर कृषि कार्यों में लगे हो। गैर कृषि कार्य कौन से, नॉन एग्रीकल्चर मतलब जहां पे कृषि कार्य ना हो, जहां पर स्कूल हो, आपके हॉस्पिटल हो, या फिर आपके कोई विभाग हो, ऐसे कार्य, ठीक है ना, वो गैर कृषि कार्य में आता, नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता है जहां पे केवल कृषि कार्य हो, ठीक है, या फिर हो जहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग क्या करे, निवास करे। ये कुछ क्राइटेरिये 1991 में रखा गया भारतीय जनगणना के तहत। उन्होंने बताया कि अगर कोई नगर नगर की श्रेणी कोई क्षेत्र नगर की श्रेणी में आ रहा है तो उसमें पहली चीज नगर पालिका होना चाहिए, उसमें निगम नगर निगम होना चाहिए, छावनी बोर्ड होना चाहिए। छावनी बोर्ड क्या होता है, जहां पर सैनिक लोग रहते हैं ना उनको बोलते हैं छावनी बोर्ड। अनुसूचित क्षेत्र समिति हो, या फिर उसमें 5,000 व्यक्ति निवास करें, या फिर वहां पे 75% व्यक्ति सो में से 75% व्यक्ति तो गैर कृषि कार्य में लगे होने चाहिए, ठीक है, बाकी चाहे कृषि कार्य कर ले पर 75% लोग गैर कृषि कार्य में हो, या फिर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करें, मतलब 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर का दायरा, उसमें कितने व्यक्ति रहे, 400 व्यक्ति निवास करे, तो वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के घनत्व को हम जनसंख्या घनत्व के रूप में नापते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति तो कम से कम रहने चाहिए, तो वो नगर की श्रेणी में आएगा। तो आज मैंने आपको मानव बस्ती जो अपना टॉपिक है और उसमें बस्तियों के बारे में बताया कि बस्तियां होती क्या है, बस्तियों का वर्गीकरण करके बताया कि मुख्य रूप से बस्तियां 2 भागों में बटी हुई है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंदर, और नगरीयकरण
उपनगरीकरण की विशेषता, और नगर किसे कहते हैं, वो नगर किसे कहते हैं, नगर की क्या क्राइटेरिया है, नियम क्या है, उसके बारे में मैंने आपको आज ये बताया। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।